ग्रेटर नोएडा के निवासियों को मेरा सादर नमन और वंदन। 10 न्यूज द्वारा आयोजित इस वार्तालाप में मैं प्रोफेसर विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमान नरेंद्र भूषण जी, और जैसा आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र भूषण जी जैसे अधिकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को और हम सभी को मिले हुए हैं। एक ईमानदार अधिकारी और एक ऐसे अधिकारी जो 16-16 घंटे 18-18 घंटे पिछले साल कोरोना महामारी में हमने देखा कि वे हर दुख दर्द में हमारे साथ थे, और इस कारण से जो पिछले एक डेढ़ साल का ये एक चैलेंज वाला एक समय था उसको हम पार कर पाए। मैं आज इस परिचर्चा में श्री नरेंद्र भूषण जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बंधुओं जी नमस्कार। देवी और सज्जनों, आज इस अंग्रेजी नववर्ष का पहला दिन है और उसके नाते मैं अपने सभी दर्शकों को, ग्रेटर नोएडा वासियों को मैं शुभकामना देता हूं कि यह नववर्ष आप सभी को मंगलकारी हो, हम सभी स्वस्थ रहें और हम सभी एक समाज के अंग होने के नाते एक दूसरे के सहायक बनकर समाज और देश को आगे ले जाने में सहायक बने। इस नाते मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। श्री नरेंद्र भूषण जी, पिछले एक वर्ष से जो कोरोना का समय हमने बहुत बड़ा एक महामारी का समय देखा, उसमें बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन उस सबके बावजूद भी प्राधिकरण ने कई सारी ऊंचाइयों को छुआ, बहुत सारी उपलब्धि भी रही है पिछले एक वर्ष में। तो मैं श्रीमान आपसे जानना चाहूंगा और ग्रेटर नोएडा निवासियों के लिए भी एक ये एक अवसर है कि वो जाने कि क्या क्या चुनौती थी, क्योंकि सामान्यतः देखने में आता है हम अपेक्षाएं बहुत करते हैं सभी से, सरकार से, प्राधिकरण से, अन्य अन्य लोगों से, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती कि क्या चुनौतियां हैं जिनमें काम करना पड़ता है अधिकारी वर्ग को। तो जानना चाहेंगे आपसे श्रीमान नरेंद्र भूषण जी, क्या चुनौतियां रही जी। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रोफेसर विवेक कुमार जी आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज आपने यहाँ पर मुझे ये अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से ग्रेटर नोएडा शहर के सभी सम्मानित नागरिकों को व 10 न्यूज के सभी सम्मानित दर्शक बंधुओं को सर्वप्रथम वर्ष 2022 की नव वर्ष की बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। वर्ष 2021 अब पीछे रह गया है, वर्ष 2022 निश्चित तौर पर हम सबके लिए बहुत शुभ होगा, और जैसा कि मैं अभी परिचर्चा में आपको बताऊंगा ग्रेटर नोएडा के लिए वास्तविक में ये वर्ष 2022 बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपने जो बात करी 2021, निश्चित तौर पर 2021 ना केवल ग्रेटर नोएडा के लिए परंतु पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्ष रहा है, क्योंकि हम सभी ने एक वंस इन ए लाइफ टाइम जो एक वैश्विक महामारी, कोरोना नामक वैश्विक महामारी का इस वक्त हमने सामना किया है, और बहुत सारे परिवारों ने निश्चित तौर पर इस समय कई अपने बहुत ही प्रियजनों को खोया भी है या अन्य तरह की बीमारियों का सामना किया है। आप लोगों को ध्यान होगा अप्रैल मई का महीना बहुत ही कठिन परिस्थितियों का समय रहा, और आपके नोडल अधिकारी के नाते हमारी पूरी टीम, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, हमारी पुलिस, हमारी अथॉरिटियों के अधिकारी कर्मचारी, अन्य सभी विभागों के लोग, यहाँ तक के हमारे सभी सम्मानित जो नागरिकगण हैं, स्वयं जो हमारे आप जैसे चैनल हैं, जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, उन्होंने सब ने पर एकजुट होकर इस वैश्विक महामारी का बहुत ही जो है धैर्य से, साहस से सामना किया। जब कभी लॉकडाउन की स्थिति आई तो जो हमारे मजदूर बंधु या जो भी कोई फंसा हुआ था उसको सहायता पहुंचाई, ना केवल अपने यहाँ पर, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जो दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, मैंने नोडल अधिकारी के नाते आप सबके सहयोग से उन तक हमने यूपी के नागरिक तक पहुंचने का प्रयास किया, उनकी कोई भी समस्या को निस्तारण करने का प्रयास किया। ग्रेटर नोएडा में जो पूरी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक ऐसे शहर है जो पूरी दुनिया को रोजगार देता है,
यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग, पूरी दुनिया के लोग आकर बसे हुए हैं। हमारे बहुत सारे जो है कामगार, जो हमारे जो लेबर बंधु हैं, वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्रियों में, पूरे भारत से आकर, खासतौर पे यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से आकर, मध्य प्रदेश से आकर यहाँ पर काम करते हैं। हमारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके सामने कई बार इशू होता है, तो उनके लिए सहायता हर समय पहुंचाएगी। तो ये 2021 का जो वर्ष एक चैलेंजिंग वर्ष रहा, जब हम 2022 की आज शुरुआत कर रहे हैं, तो इस टाइम भी एक ओमिक्रॉन नाम के वायरस का, यद्यपि कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से फैलाव हो रहा है, परंतु यदि हम इसको पॉजिटिव ढंग से देखते हैं तो ये एक बहुत ही, कहते हैं, कमजोर वायरस है। और शायद जो पेंडेमिक को एंडेमिक में, जो ये कोई भी जो महामारी के जो स्टेजेस हैं उसमें लास्ट स्टेज होती है कि एंडेमिक, यदि वो हो जाता है एंडेमिक, मतलब वो हमारे साथ रहना, हम उसके साथ रहना सीख जाते हैं और हमारा कोई जो जान माल का नुकसान है वो नहीं होता। तो जिस प्रकार का ये वायरस है, लोग कह रहे हैं कदाचित ये एक बहुत बड़ी संभावना है कि जो डेल्टा नामक जो कोरोना वायरस था, जो उसका जो वेरिएंट था, जो बहुत ही डेंजरस था और जिसने काफी नुकसान भी पहुंचाया, परंतु ये जो वायरस का जो स्वरूप है, कदाचित ये फैलता बहुत तेजी से है, जिसके लिए मैं अभी शहरवासियों से एक अनुरोध भी करूंगा, परंतु ये डेंजरस, जो एक इसकी जो मारक क्षमता है, जो इसकी जो है सीवियरिटी है, वो बहुत कम है, वो एक कोल्ड की तरह है। इसमें लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर बैठे वो अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। परंतु जो मैं अनुरोध करने जा रहा हूँ, चूंकि ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कि एक व्यक्ति से जो फैलने की क्षमता है, यहाँ हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी, जो भी मैंने, जो दिल्ली में मैं अभी बाहर था, वहां भी मैंने देखा कि एक परिवार में आते ही बहुत तेजी से फैलता है। जो पहले वाला वायरस था जो 2020 में आया, तो एक बंदे से एक को होता था, जो डेल्टा था एक से पांच को होता था, ये 1 से 20 को होता है। इसकी क्षमता 3 से 4 गुना है फैलने की। तो उसके लिए जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यदि हम बाहर घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान पे हैं, तो मास्क, और मास्क भी या तो डबल मास्क या N95। अब वो सिंगल मास्क जो हम बीच में लगाते थे उसका समय नहीं रहा है, तो डबल मास्क या N95 का मास्क जरूर लगाएं। मैंने देखा कहीं कहीं पर लोग इसमें चूक करने लगे हैं, तो कहीं भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, इवन कार में 2-3 लोग हैं, या एक कमरे में भी मैं कहूंगा यदि 1 से ज्यादा लोग हैं तो मास्क का प्रयोग करें। दूसरा, वो जो एक टाइम टेस्टेड कि आप 20 सेकंड हाथ जरूर धोएं, बार बार धोएं, कहीं भी आप टच करते हैं वो बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, ये हमने एक नारा लिया था, वो भी बहुत जरूरी है इस समय उसकी पालना करने का। तो इससे इस बीमारी की हम जो है फैलने की क्षमता को बहुत रोक सकते हैं, क्योंकि एक जो खतरा रहता है कि जितनी तेजी फैलने की क्षमता है इसकी, और हमारे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड कहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो ऐसे लोगों के लिए ये थोड़ा सा खतरे का कारण बन सकता है। इसलिए खाली इस बात से संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है कि इसकी सीवियरिटी कम है। तो ये मैं एक मैसेज, क्योंकि 2022 का वर्ष ही एक पॉजिटिव ईयर होगा, मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये कोरोना को खत्म करने वाला वर्ष है। पिछले 2 साल से जिस चीज को हम झेल रहे हैं, 2022 उसका एक आखिरी वर्ष होगा, और आई थिंक अगले 2-3 महीने में ये लगभग कोरोना का एक तरह से, जो मैंने कहा एंडेमिक जो होता है, उसका मतलब कोई इसका खतरा नहीं रहता है, खांसी जुकाम की तरह ये वायरस हमारे साथ रहता है, तो ये उसका खत्म होने वाला वर्ष है और बहुत जल्दी हम इसको खत्म कर लेंगे, परंतु उसमें जनता का सहयोग अपेक्षित है। तो जहां तक आपने प्रोफेसर साहब जो बात करी, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये पूरी दुनिया के सामने, ग्रेटर नोएडा से भी उससे छूटता नहीं रहा, वो एक कोरोना वायरस के तौर पर है। अभी भी इसकी थोड़ी बहुत थ्रेट है, परंतु मेरा विश्वास है कि सभी जनता का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से और इस बिहेवियर की सीवियरिटी कम होने से, ये वर्ष पूरे कोरोना को, ना केवल ग्रेटर नोएडा से, पूरे भारतवर्ष से, पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरी दुनिया से समाप्त करने का वर्ष है। और लोग पूरे से, जो पूरा हमारा भारतवर्ष, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा ग्रेटर नोएडा जो बुलंदियों की ओर बढ़ रहा था, ये वर्ष आगे बढ़ने का, और ग्रेटर नोएडा के लिए ये खास तौर पे ये वर्ष बहुत अच्छा होने जा रहा है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जी धन्यवाद। निश्चित रूप से हम सभी की ये कामना है कि ये महामारी इस वर्ष अपने अंतिम चरण में हो, समाप्त हो, हम सभी लोग ऐसी कामना करते हैं, चाहते हैं, लेकिन साथ में सावधानी भी बरतनी है अभी भी, क्योंकि कुछ वेरिएंट और आ रहे हैं।
ओमिक्रॉन के बाद एक और वेरिएंट का नाम सुना है कि वो भी आ रहा है, तो सावधानी नहीं छोड़नी, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, मास्क पहनना बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग, इन पर विशेष ध्यान रखें। इसके साथ जानना चाहेंगे श्रीमान नरेंद्र भूषण जी कि इस नववर्ष में 2022 में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं प्राधिकरण की तरफ से। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति ग्रेटर नोएडा वासी ये चाहता है कि हमारा शहर एक नई बुलंदियों को छुए, तो उसके लिए प्राधिकरण क्या क्या कर रहा है आपसे जानना चाहेंगे श्रीमान नरेंद्र भूषण जी। जी तो आपने जो कहा, मैं एक सेकंड और लूंगा क्योंकि मैं एक पॉइंट मिस कर गया था, वो था वैक्सीनेशन का कोरोना से, उसके लिए वो है कि वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। यद्यपि हमारे यूपी ने बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करी है, पूरे भारत ने बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करी है ग्रेटर नोएडा में, परंतु यदि कुछ लोगों ने अभी वैक्सीनेशन नहीं लिया है, उनके लिए वैक्सीनेशन लेना जरूरी है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट से जो आपको ध्यान है जिससे बड़ा नुकसान करता था, जब से वैक्सीनेशन हुआ है अभी भी हमारे यहाँ डेल्टा का परसेंटेज है, ग्रेटर नोएडा में भी है, गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी है, दिल्ली में कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन लगभग 50% तक फैल चुका है, मतलब जो भी नए केस आ रहे हैं उसमें 50% से ज्यादा ओमिक्रॉन है, पूरी दुनिया में परसेंटेज बहुत जल्दी 90% हो गया है, ग्रेटर नोएडा में भी यही ट्रेंड रहेगा। पर जो डेल्टा वेरिएंट है, जो खतरनाक वेरिएंट था, जिन लोगों ने इवन एक भी वैक्सीनेशन की डोज ली है उनके लिए डेल्टा वेरिएंट भी बहुत ही कमजोर साबित हुआ है, परंतु यदि किसी ने कोई वैक्सीनेशन नहीं ली है तो आज भी डेल्टा वेरिएंट उनको कई मामलों में, यदि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी भी कमजोर है, तो पुराने तरीके से ही अफेक्ट कर रहा है, ये मेरी नॉलेज में है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन भी जरूर करें। एक पॉइंट मैं मिस कर रहा था, अब आपने जो पॉइंट इस बार जो क्वेश्चन मेरे सामने रखा कि मैंने कहा ग्रेटर नोएडा के लिए ये पिछले निश्चित तौर पर 3-4 वर्ष बहुत अच्छे साबित हुए हैं, कोविड होने के बावजूद जिस प्रकार से, जो हमारा मेन मकसद है तो कि हम एक नॉर्मल शहर ना होकर एक इंडस्ट्रियल टाउन के तौर पर ग्रेटर नोएडा को विकसित किया गया, एक इन्वेस्टमेंट सेंटर के तौर पर विकसित किया गया, एक रोजगार सृजन सेंटर के तौर पर विकसित किया गया, ना केवल जो ग्रेटर नोएडा निवासियों को परंतु पूरे भारतवर्ष के लिए, ना केवल भारतवर्ष के लिए पूरी दुनिया के निवेशक आकर यहाँ पर निवेश कर सकें, रोजगार स्थापित कर सकें, सरकार को टैक्स की प्राप्ति हो, तो उस नाते जो इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं आई, इनफैक्ट कोरोना काल में भी हमने इसके रिकॉर्ड बनाए हैं, तो उसी कड़ी में यदि मैं चलूं एक एक करके, सबसे बड़ी बात कि इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में 2022 का एक स्वर्णिम वर्ष रहेगा, क्योंकि आपको पता है ग्रेटर नोएडा जो जेवर एयरपोर्ट में भी ग्रेटर नोएडा की सहभागिता है, सिलेक्शन कमेटी में मैं उसकी खुद बैठता था, हमारी 12.5% की शेयर होल्डिंग है, तो ग्रेटर नोएडा शहर जेवर एयरपोर्ट अपने आप में, जो कभी लगता था गुड़गांव वगैरह कुछ एडवांटेज थे, वो सारे एडवांटेज अब हमारे पास वापस आ गए हैं, तो ग्रेटर नोएडा के लिए सबसे बड़ी बात, एक जो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है वो एक जेवर एयरपोर्ट इस साल में उपलब्ध है, जो कि 2023 तक लगभग जो है उसे पहली फ्लाइट उड़ने की संभावना है, यदि ऑफिशियल टाइम उसका 24 अगस्त है, परंतु 23 तक ये प्रयास किया जा रहा है कि पहली फ्लाइट वहां से चले। परंतु इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में 2 बड़े प्रोजेक्ट और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब यहाँ पर मंजूर किए हैं प्रधानमंत्री जी ने, अब लगभग उनका क्रियान्वयन प्रारंभ हो रहा है, इन दोनों से जो दोनों साइड की बातें करी, पब्लिक की और लॉजिस्टिक्स की, यानी कि गुड्स जो इंडस्ट्रियल गुड्स बनती है या बाहर से यहाँ पर आनी है, उन दोनों का एक बहुत बड़ा समागम और संगम यहाँ पर शुरू होएगा 2022 और 23 में। उससे पहले जो इंडस्ट्रियल गुड्स, जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो दादरी में बनेगा, क्योंकि हमारे एक यूनिक पोजीशन है पूरे इंडिया में कि 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न्यू दादरी में यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, और पूरा अमृतसर से कोलकाता तक, दिल्ली से मुंबई तक का पूरा क्षेत्र, और उसके बाद आगे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके बाद में साउथ इंडिया तक, कहीं भी जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होते हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, मोबाइल हो, 24 घंटे में वो वहां पर पहुंच जाएंगे, अभी उनको या किसी पोर्ट तक पहुंचाने में या पोर्ट से वापस रॉ मटेरियल लाने में अभी उनको 3 से 6 दिन लगते हैं। कहा जाता है किसी भी, यदि हम मोबाइल की बात करें, टेलीविजन की बात करें, लॉजिस्टिक कॉस्ट आज की डेट में 13% है इंडिया में, परंतु ऐसी चीजें बनने से वो कम होकर 6% रह जाएगी, 7% की इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, परंतु लोगों को भी ये चीजें सस्ती मिल पाएंगी। अभी प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति प्रोग्राम का लॉन्च किया, विशेष तौर पर उन्होंने ग्रेटर नोएडा की बात करी पिछले जो है 1 महीना पहले, तो जो
लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने में बहुत बड़ा योगदान ग्रेटर नोएडा शहर का उसमें रहेगा इसके माध्यम से। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी एक अनूठी उदाहरण होगी जो इंडिया में कहीं नहीं है कि यहाँ पर तीन टर्मिनल, रेलवे का टर्मिनल जहां से 16 ट्रेन चलेंगी ग्रेटर नोएडा के रेलवे स्टेशन से बुड़ाकी में, जहां पर दूसरी तरफ आपका ISBT और लोकल बस टर्मिनस होगा, और जहां पर तीसरी ओर वहां पे मेट्रो का स्टेशन होगा। और जो लोग हमारे जो जितने भी लेबर या लोग यूपी बिहार वेस्ट बंगाल उड़ीसा असम वगैरह से आते थे, अभी तक आनंद विहार जाते थे, ISBT कश्मीरी गेट जाते थे और फिर वहां से पूरे शहर में बढ़ते थे, दिल्ली को कंजेस्ट करते थे, अब यहां पर आकर जो हमारा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का टर्मिनस होगा, यहाँ से पंजाब हरियाणा राजस्थान यहीं से जा सकेंगे, तो दिल्ली को भी डीकंजेस्ट करेंगे, परंतु ये एक बहुत बड़ा सेंटर ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर उभरेगा और यहाँ से लोगों का बहुत जल्दी इवैक्यूएशन कहीं भी संभव होगा। तो ये दो बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं और मैं लोगों को ये बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि इन दोनों प्रोजेक्टों में 1 लाख से अधिक का रोजगार, ये बहुत ही इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कहा जाता है कि रोजगार नहीं सृजित होते हैं, सिर्फ इन दोनों प्रोजेक्टों में 1 लाख से अधिक का रोजगार सृजन होगा। एक IIT जनरल प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है उसमें अभी तक लगभग 15,000 से 20,000 का रोजगार सृजन हो चुका है, वहां पर लोग धीरे धीरे 8-10,000 लोग काम करने लगे हैं, उसमें भी 1 लाख का रोजगार सृजन होगा। तो ये जो ग्रेटर नोएडा ने 3 प्रोजेक्ट जो प्रोपेगेट किए उसके माध्यम से 2 लाख का रोजगार सृजन अगले कुछ वर्षों में यहाँ पर होगा। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में इसके अलावा हम 8 सेक्टरों की जमीन खरीद रहे हैं, इंडस्ट्री में खूब इंडस्ट्री हमारे पास आ रही है। अभी आपने देखा, आपने फोटो भी दिखाई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने लुलू ग्रुप जो कि एक वर्ल्ड फेमस ग्रुप है जो कि फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारे किसानों को कितनी सहायता मिलेगी, लगभग हर तरह की सब्जी और फल वो हमारे किसानों से डायरेक्ट प्रोक्योर करेगा, जिससे किसानों को अपने जो फल और सब्जी की उपज का बहुत अच्छा दाम प्राप्त होगा। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के 20 एकड़ के सेंटर में जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर होगा अपने आप में 20 एकड़ में, उसमें उनकी प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग की जाएगी और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा और पूरे मिडल ईस्ट में फिर धीरे धीरे यूरोप तक, जो उनके शॉपिंग मॉल के माध्यम से उनके हाइपर मार्ट्स हैं बड़े बड़े मॉल्स हैं उसके माध्यम से ये वहां पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सेल किया जाएगा। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी, तो इस प्रकार से जो मैं कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट रोजगार सृजन वाले इन्वेस्टमेंट्स इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो ये हमारा जो पहली उपलब्धि है। अब मैं यहाँ से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर से यदि मैं नागरिकों की तरफ बढ़ूं तो गंगाजल, एक बहुत बड़ी गंगाजल लगभग हमारा सभी जो है एक चैलेंज फंसा हुआ था, 2005 से लोग यहाँ पर गंगाजल लाने का प्रयास कर रहे थे, 2005 में पहली बार ये प्रयास हुआ था, तब से चला आ रहा था और ये जो परियोजना लगभग अधूरी थी जब मैंने ज्वाइन किया 3 साल पहले, तो ये परियोजना अधूरी थी, लोग लगभग इसको छोड़ चुके थे कि ये पूरी नहीं की जा सकती है क्योंकि इतनी अड़चने थी, परंतु सस्टेन ढंग से हमने लगे, पूरी सभी संस्थाओं से सपोर्ट लिया और आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि गंगा जल की वो 23 किलोमीटर की पाइपलाइन पूरी हो चुकी है। हम उसकी लास्ट स्टेज की अब टेस्टिंग कर रहे हैं, जहां पर जब टेस्टिंग करते हैं क्योंकि पाइपलाइन में लीकेजेस होते हैं उनको दूर कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको जो है इसी जनवरी महीने में हम आपको गंगा जल इस शहर के लोगों को सप्लाई करेंगे। गंगा जल का हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग गंगा जल की एक डुबकी लेने के लिए या एक बूंद आचमन के लिए बड़ी दूर दूर तक पूरे भारत से हरिद्वार में या इसी जगह हमारे बगल में यहाँ क्या कहते हैं यहाँ भी जाते हैं और बहुत दूर गढ़ में, परंतु अब गंगा जल हमारे हर ग्रेटर नोएडा के हर निवासी को घर में मिल पाएगा जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पिछले 2 सालों में बहुत इम्प्रूव किया है शहर के नागरिकों के, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो ड्रेन हो, चाहे वो सीवरेज सिस्टम हो या स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में आज मैं इसका रिव्यू कर रहा था दिन में कि स्ट्रीट लाइट हम कब इसको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने 50 करोड़ का अवार्ड किया था पूरे शहर की लगभग 60,000 से अधिक स्ट्रीट लाइटों को LED लाइटों से बदलने का, जिसमें कि ग्रेटर नोएडा शहर को बहुत बड़ी बचत होगी। जो हमने 50-60 करोड़ का ये टेंडर दिया है उससे ये 50-60 करोड़ हम अगले 5-6 सालों में पूरा बचा लेंगे, एक तरह से ये फ्री होगा हमारे लिए और सरकार की जो है बिजली की बचत होगी, कोयले की खपत कम होगी, पोल्यूशन कम होगा, वो उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। तो वो हमने कई गांव में लगभग 8 गांव में उन्होंने जो है वो LED की स्थापना प्रारंभ कर दी है, जिनका हम अगले हफ्ते भर में माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसका लोकार्पण करेंगे। शहर में भी लगने के लिए शुरू कर रहे हैं, शहर के कुछ चरानों में जो बड़ी सड़कें हैं जैसे परिचौक वाली सूरजपुर कासना पर, उस पर बहुत ही हाई प्रिसीजन लाइट जो कि किसी भी समय कम की जा सकती है, रात को अंधेरे में
इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के माध्यम से, तो वो भी बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा और अगले 3-4 महीने में सूर्य लाइटें बदल जाएंगी। इसके अलावा जहां जहां पर ये पुरानी लाइटों को बदलने की बात है, जहां भी लाइटें कम थी, हमने 16 करोड़ का एक टेंडर किया हुआ है जिसको हम बहुत जल्दी अवार्ड कर देंगे, अर्थात पूरा ग्रेटर नोएडा जगमग रोशनी से जगमग हुआ। बच्चों के लिए ओपन एयर जिम, हमने एक पूरा एक्शन प्लान बनाया है कि पूरे जितने भी हमारे पार्क हैं, हमारे लगभग 300 से अधिक पार्क हैं, छोटे बड़े, छोटे से छोटा हर पॉकेट में, छोटे से छोटा और सिटी पार्क, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बड़ा पार्क है, उन सभी पार्कों को हम ओपन एयर जिम से आच्छादित करेंगे। आपने सिटी पार्क की फोटोएं देखी होंगी, अभी हमने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक ओपन एयर जिम का स्थापना की, उसका जो फर्श भी बड़ा कलरफुल ढंग से हम, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और अपनी सेहत के प्रति जागरूक हों, ये बहुत जरूरी है। तो हमने 3 साल में सभी पार्कों में ओपन एयर जिम, छोटा पार्क होगा तो कम इक्विपमेंट, बड़ा पार्क होगा तो ज्यादा इक्विपमेंट, 3 सालों में सभी जो हमारे 320 हैं हम ओपन एयर जिम स्थापित करेंगे। सभी सेक्टरों में कम्युनिटी सेंटर हम अगले 3 वर्षों में स्थापित कर देंगे। हमारा स्टेडियम है ग्रेटर नोएडा का, एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, आपको पता है शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम। उसके अलावा जो है एक स्टेडियम जो कुश्ती के लिए अभी हमने मंजूर किया है, उसका टेंडर चल रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए भी हम एक स्टेडियम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमने देखा, मैं स्वयं एक प्लेयर रहा हूँ, आपकी प्लेयर में खेल रहा हूँ यूनिवर्सिटी तक, तो स्टेडियम में कई लोगों के लिए थोड़ा स्टेडियम एक, उसमें एक बैरियर रहता है क्योंकि उसमें थोड़ी फीस होती है। खेल के मैदान जो एक तरह से फ्री होंगे, हम प्रयास कर रहे हैं हर गांव में, हर सेक्टर में खेल के मैदान भी स्थापित करें जो ओपन में है। वहां के अपने कई कई जगह खेल के मैदान फाइलों पे मंजूर कर दिए हैं, उनके टेंडर की गतिविधियां चल रही हैं। तो लगभग हमारा ये भी एक प्रयास है कि अगले 3 सालों में हर गांव में, हर सेक्टर में एक खेल का मैदान भी जरूर हो, ताकि बच्चे वहां पर कई प्रकार की गेम्स, और उसमें अलग अलग गेम्स चयनित की गई हैं, खो खो से लेके वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, जहां पर जितना बड़ा ग्राउंड हमें मिलता है तो उसकी सुविधाएं हम उनके लिए सृजित कर रहे हैं। वेंडर मार्केट एक अक्सर लोगों का रहता है, ये एक ऐसा टॉपिक रहता है जो बड़ा ही चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि एक और लोगों को लगता है कि सब अतिक्रमण हो रहे हैं जगह जगह पर। वहां पर हमारा इनफॉर्मल सेक्टर, देश की इकोनॉमी का सेक्टर, जब कहीं पर लोगों को कोविड में रोजगार नहीं मिल रहे थे, तो हमारे उन भाइयों को जहां पे उनको नौकरी से हाथ देना शुरू किया, उन्होंने एक वेंडर के तौर पर काम करके अपना किसी तरह से जीवन यापन किया है। तो हमारी 3 लेवल की वेंडर मार्केट के भी जो है वो अलग अलग प्रयास चल रहे हैं। हमने 5-6 वेंडर मार्केट के टेंडर कर रखे हैं, वो किसी भी समय अवार्ड होंगे। उसमें हम लगभग 3-4 सेक्टरों के बीच में एक वेंडर मार्केट डेवलप कर रहे हैं, जिसे जो वेंडर्स हैं, जो चलते फिरते वेंडर्स को वहां पर जाकर एक जगह पर सब्जी, फल, जरूरत की चीजें वहां पर बेच पाएंगे, थोड़ा लोगों के लिए जो उस तरह के अन्य चाट, गोलगप्पे टाइप की चीजें भी वहां पर रहेंगे कई प्रकार की, जिससे हम वेंडर्स को फिर ये फोर्स कर पाएंगे कि आप जगह जगह पर अनियंत्रित ढंग से कहीं पर चौराहे पर खड़े हो जाते हैं तो वो ना करें। दूसरे लेवल की जो हमारी परियोजना है, जैसे मेट्रो स्टेशन के पास हमने ग्रेटर नोएडा से एक कलर के कियोस्क डिसाइड किए हैं, वो स्थापित किए जाएंगे, उनको अलॉट किए जाएंगे। तो इसी प्रकार से कहीं पर सेक्टरों के अंदर पे, स्थानों के अंदर छोटी छोटी हम दुकानें, जहां पे अभी हमारी कन्वीनियंस मार्केट नहीं बनी है, वहां पर वो स्थापित किए जाएंगे। तीसरे लेवल पे जो हमने योजना बनाई है, मूविंग वाले जो वेंडर्स होते हैं, वो एक जगह खड़े नहीं हो सकते पर सेक्टर के अंदर, उनको ग्रेटर द्वारा रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, जिसके माध्यम से उनको कई प्रकार की भारत यूपी सरकार, भारत सरकार की स्कीमों का भी लाभ मिलता है, इंश्योरेंस मिलती है। कोविड के दौरान में सरकार ने उनके खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर किए थे, हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं, लगभग मुझे ध्यान है 1100 लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन किया था इस प्रकार से। तो वो तीसरे लेवल के वो वेंडर भी रहेंगे, ताकि वेंडर मार्केट भी यहाँ पे स्टैंडर्डाइज तरीके से करें। लेबर के लिए भी कोविड के दौरान हमने प्रयास किया, जो अथॉरिटी के बगल वाला आप देखेंगे कि हमने बहुत ही बड़ा पार्क ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बगल में बनाया, वो जितने कोविड लॉकडाउन तक के दौरान किसी भी लेबर को जो जॉब नहीं मिलता था, उनको अथॉरिटी के लोग हायर करके लाते थे। वहां पे हमारी अथॉरिटी की बिल्डिंग का बहुत बड़ा मलबा था, उन्होंने उसको साफ किया, उसको एक बड़े अच्छे घास लगाकर बहुत लंबे पार्क में विकसित कर दिया है। मैं देखता हूँ वहां पे सैटरडे संडे बहुत लोग उस पार्क में जाते हैं, तो वो एक बहुत, इसी प्रकार से हम अभी लेबर के लिए एक ऐप बनाने का, एक स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर एक ऐप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी में ये देखा गया कि जो लेबर है, जो घरों में जरूरत होती है, कोई घरों का कंस्ट्रक्शन करता है, वो लेबर चौराहे पे खड़ी होती है बहुत सर्दी में सवेरे, और बहुत लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इस ऐप के माध्यम से वो सारे लेबर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और किसी भी व्यक्ति को यदि अगले दिन 4 लेबर की जरूरत है, तो उस ऐप के माध्यम से वो एक दिन पहले ही या उस दिन मॉर्निंग में उनको सेलेक्ट कर पाएगा,
उनको पब्लिक के लोग फीडबैक दे पाएंगे, अर्थात जिसको मैंने किसी दो लेबर के व्यक्तियों को यूज किया है और मैंने उनको 5-स्टार रेटिंग दी है, तो उनको अगली बार अच्छा प्रीमियम भी मिलेगा, उसको लोग जल्दी से सिलेक्ट कर पाएंगे, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी काम करने की क्षमता, उनकी कार्यक्षमता, उनका व्यवहार के बारे में लोग फीडबैक दे पाएंगे। इस प्रकार से एक अच्छा सिस्टम बना होगा। ये बहुत जल्दी भी हम इस ऐप को स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से लॉन्च कर पाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट, लेबर को चौराहे पर खड़े होकर वेट नहीं करना पड़ेगा, उसको एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है। कई बार सर्दी में गर्मी में वो चौराहों पर खड़े होते हैं, तो इस प्रकार उनके लिए भी, अर्थात जो शहर में रहने वाले लोगों के लिए जिस प्रकार की सुविधाएं उसमें, और बहुत सुविधाएं हैं। यदि आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछें, नहीं मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद श्रीमान नरेंद्र भूषण जी, और आपने कई सारी उपलब्धियों को बताया, कई सारे ऐसे भविष्य में आने वाले जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताया कि गंगा जल जल्दी ही आने वाला है, चाहे वो यातायात सुगम बनाने से संबंधित हो, चाहे मल्टी लॉजिस्टिक हब के बारे में हो, एयरपोर्ट के बारे में हो, भविष्य की योजनाओं के बारे में आपने बताया। ये हमारा सौभाग्य है, मेरा नहीं पूरे ग्रेटर नोएडा का सौभाग्य है कि ब्रजेश जी के बाद संभवतः मैं ये कहूंगा कि श्रीमान नरेंद्र भूषण जी जैसा एक कर्मयोगी इस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को और हम सभी को मिला है, और उनके नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा नई बुलंदियों को छुएगा, इसमें कोई शख्स वो नहीं है। मैं 2-3 विषय और छूना चाहूंगा यदि समय हो, हालांकि 30 मिनट का समय निर्धारित हुआ था, लेकिन मुझे लगता है आपकी अनुमति हो तो 2-3 प्रश्न और आपसे मैं जानना चाहूंगा। जैसे कि हम सभी लोग अपेक्षा करते हैं, किसानों की कुछ समस्याएं हैं, क्या ऐसी आशा व्यक्त की जाए कि इस वर्ष में किसानों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, जिसके लिए वो आंदोलनरत रहे हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जी? आपने बहुत ही रेलेवेंट उठाया है। सबसे यदि ग्रेटर नोएडा शहर को बसने का क्रेडिट किसी को जाना चाहिए तो हमारे किसान भाइयों को, तो किसी को शहर को बसाने के लिए सबसे पहले जमीन की जरूरत होती है। हमारे किसान भाइयों ने जो उनके रोजगार का साधन है उस जमीन को शहर को बसाने के लिए स्वेच्छा से दिया, तो ऐसे में यहाँ पर जब हमने ज्वाइन किया तो ग्रेटर नोएडा में निश्चित तौर पर कुछ लेगेसी इशूज थे, जिसके कारण हमारे किसान भाई समय समय पर आंदोलनरत रहे हैं, आपको पता है। परंतु 2010-11 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों कारण या अन्य कई कारणों से पिछले 8-10 सालों से यहाँ पर कई समस्याएं खड़ी हो गई थी जिनका पूरी तरह से निस्तारण नहीं हुआ था। परंतु मुझे आपके माध्यम से ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं समझता हूँ 2022 का वर्ष भी किसानों के लिए वो वर्ष होगा जिसमें ये सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स किसानों की समाप्त हो जाएंगी और उनको एक आत्म संतोष का अनुभव होगा। कहीं कहीं उनको पहले लगा था कि कहीं पर उनके साथ यदि कोई ज्यादती हुई है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हुए, कई चीजें हुई किसी भी परिस्थितियों के कारण, परंतु उनको ठीक करने के लिए मैं एक एक करके उनका बताना चाहूंगा। सबसे पहले किसानों की एक जरूरत होती है कि उनका, क्योंकि उनका जो जमीन, जो उनके रोजगार का साधन होता है, वो ये उनके हाथ से चला गया है, तो रोजगार के साधन, उनके बच्चों को रोजगार मिले, ये एक बहुत बड़ी उनकी जरूरत होती है। तो उसके लिए हमने कई तरह के प्रयास किए जिससे मैं यहाँ के लोगों को इश्योरेंस दे सकता हूँ, हमारे किसान भाइयों को इश्योरेंस दे सकता हूँ कि उनको रोजगार की कोई समस्या नहीं रहेगी। मैंने आपको बताया कि 2 लाख का रोजगार केवल हमारी उन 3 परियोजनाओं से स्थापित होगा, जिसमें मैंने अभी ग्रेटर नोएडा की जो ये मैंने बताया कि 8 सेक्टरों के हम लगभग 2000 एकड़ जमीन ले रहे हैं, उसमें कितना रोजगार सृजित होगा, जो अन्य प्रोजेक्ट आएंगे उनकी मैंने कोई बात नहीं अभी करी है, ये उसके अलावा है। 2 लाख रोजगार निश्चित तौर पर सभी ग्रेटर नोएडा के लोग नहीं है, बाहर के भी बहुत लोग आएंगे, परंतु यदि इतना बड़ा रोजगार स्थापित होगा, एक छोटा परसेंटेज भी यहाँ के लोगों को मिलेगा तो वो भी एक बहुत बड़ा, यदि उसमें 25% भी माने तो 50,000 यहाँ के लोगों के लिए रोजगार। परंतु ये रोजगार किसानों को मिले, उनके बच्चों को मिले, ये समझना बहुत जरूरी था। उसको हमने समझने का प्रयास किया कि यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग रोजगार ढूंढते हैं, तो क्या कारण है कि वो रोजगार सबसे पहले हमारे किसान के बच्चों को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जब हमने प्रयास करने शुरू किए अलग अलग तरीके से, जैसे इंडस्ट्री का जब हम प्लॉट करते हैं तो हमने इंडस्ट्री वालों को च्वाइस दी कि हमें बताएं किसान के बच्चों को कितने परसेंट रोजगार देंगे, तो 20-30-40% तक जो है उसमें, यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि वो हमारे यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को 40% का रोजगार देगा, तो उसको अलॉटमेंट में प्राथमिकता दी गई। ये
अभी तक ये एक शर्त के तौर पर शामिल नहीं होता था, जब आप जिसने 40% कमिटमेंट किया है उसके अलॉटमेंट की शर्त में ये डाला जाता है कि आप अपने जब भी आप इंडस्ट्री स्थापित हो जाएगी उसमें 40% हमारे स्थानीय युवकों को आप रोजगार देंगे। ये एक बहुत बड़ा चेंज पिछले साल में हुआ है। दूसरे नंबर पर जो मैं बता रहा था कि यदि उसके असली कारणों में जाएं, इंडस्ट्री को रोजगार की जरूरत है, इंडस्ट्री को उन युवाओं की जरूरत है कि इनको रोजगार दिया जाए, परंतु युवा रोजगार ढूंढ रहा है परंतु उनकी मैचिंग नहीं हो रही। तो हमने ढूंढा, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चरण 3 की पहली परियोजना पूरे भारत सरकार में केवल ग्रेटर नोएडा के लिए मंजूर हुई। 1170 का यद्यपि छोटा सा लक्ष्य था, उसको हमने अपने प्रयासों से सीधे भारत सरकार से ग्रेटर नोएडा के लिए स्कीम मंजूर हुई। और वो 1170 लक्ष्य ऐसा नहीं है, ये इंडस्ट्री ने खुद दिया कि मुझे 1170 युवकों की जरूरत है उसको, परंतु ये स्किल मुझे चाहिए। तो जो उनकी स्किल काउंसिल, हमने पूरे इंडिया की जितनी स्किल्स काउंसिल है सभी MD से मीटिंग करी थी, उनने 3 स्किल काउंसिल ने कहा कि ये हमारा क्षेत्र पड़ेगा, IT है, मोबाइल हब है, वाइट गुड्स का हब है। उन्होंने अपने ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के माध्यम से, आपने देखा होगा, आपने उनकी ट्रेनिंग शुरू करी 1170 की। उसमें आपने पिछली बार खबर भी पड़ी होगी, अभी एक बैच की उसमें ट्रेनिंग पूरी हुई। उसमें लगभग यदि 100 बच्चे ट्रेनिंग जाते हैं तो बहुत हाई परसेंटेज में, कम से कम 70 और मैक्सिमम 90% बच्चों तक तुरंत रोजगार मिलता है। आपको ध्यान होगा हमने उसमें लगभग अभी एक बैच पिछले हफ्ता 10 दिन पहले हमने उसको न्यूज में दिया था कि हमने उसमें 49 बच्चों की ट्रेनिंग पूरी हुई और 39 बच्चों को ट्रेनिंग पूरा करने से पहले आखिरी दिन उनको रोजगार के लेटर, उनको एम्प्लॉयमेंट लेटर बांट दिए गए थे। जो बाकी 8-10 बच्चे हैं उनके लिए भी प्रयास जारी है। तो जहां मैंने बताया कि ये समझना बहुत जरूरी था कि जब रोजगार सृजित हो रहे हैं, हर इंडस्ट्री के लिए ये प्रॉफिटेबल है कि उनको लोकल व्यक्ति मिल जाए, क्योंकि यदि बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो उसमें कई तरह से एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ते हैं। कई बार वो बाहर से यदि 100 किलोमीटर दूर से आ रहा है, बस से लेट होगा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी नुकसान होता है। लोकल व्यक्ति होता है तो उसके बहुत सारे खर्चे उनके बचते हैं इंडस्ट्री में, कि व्यक्ति को यदि रात को भी देर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दूर का व्यक्ति होगा तो 5 बजे घर भागने का प्रयास करेगा। इंडस्ट्री कहती है कि उसके लिए हमेशा लोकल व्यक्ति फायदेमंद रहता है। फिर हमने देखा कि यूपी सरकार ने हमारे जिले के लिए 9000 का टारगेट दिया था, तो उस 9000 के टारगेट में हमारे पास अभी टारगेट हम पूरा कर रहे थे, परंतु हमने उनको बुलाया, जो हमारा DM साहब CDO साहब के माध्यम से हमने अभी आपने देखा सूरजपुर में एक स्किल डेवलपमेंट मेला लगाया। ये एक नई शुरुआत हमने इस साल शुरू करी है जो 2022 में हम बड़े स्तर पर करेंगे। उसमें 770 युवकों ने एप्लीकेशन दी है, सारे लगभग 40 से अधिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो थे वहां पर इकट्ठे थे, वो एप्लीकेशनों को सृजित कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी ट्रेनिंग शुरू होगी। इन ट्रेनिंगों की ये खासियत है कि इन ट्रेनिंगों में रोजगार का प्रतिशत, इनका बाय चांस इनका डिजाइन ही ऐसा है कि ये डिमांड ड्रिवन है, अर्थात इंडस्ट्री कहती है कि मुझे इतने बच्चे चाहिए, ये नहीं है कि बस ट्रेनिंग दे दीजिए बच्चा फिर ढूंढता रहे, इनकी खासियत ये है। तो 70% लगभग हर जगह का, मतलब पूरे इंडिया का एवरेज 70% है, यूपी का ग्रेटर नोएडा का एवरेज 90% पहुंच सकता है, तो इन सभी बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो 700 एप्लीकेशन हमने वहां पर ली। मैंने ग्रेटर नोएडा में, आपको ध्यान होगा, यद्यपि एक्स्ट्रा मैन पावर नहीं मिली परंतु एक स्किल डेवलपमेंट का अलग से विभाग क्रिएट किया ताकि इस पर हम फोकस कर सकें। उस विभाग के कारण हम इसको और आगे ले जा रहे हैं। पूरे इंडिया में 5 स्किल डेवलपमेंट के नेशनल लेवल के सेंटर सेटअप करने थे, जो हम DMIC का भी एक प्रोजेक्ट हम उनकी सहभागिता से हम कर रहे हैं, जिसके मैंने 3 प्रोजेक्ट आपको बताया, MMLHMTH, पूरे नेशनल लेवल के 5 सेक्टर NSDC के साथ, NICDC के साथ। तो ग्रेटर नोएडा ने, हमने जैसे ही हमें पता चला, हमने उनको जाके प्रेजेंटेशन दिया, पहला सेंटर पूरे UP का, पूरे इंडिया का वो हमारे यहाँ मंजूर हुआ है, हमने उनके साथ MOU साइन किया है, 1 करोड़ रुपया हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से उनको दिया है और उसकी जो है DPR वो बना रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का सेंटर, जिससे मतलब ग्रेटर नोएडा को तो फायदा मिलेगा, पूरे नॉर्थ इंडिया को फायदा मिलेगा, वो भी यहाँ पर अगले आपको 1-2 साल में मिलेगा। रोजगार मेला हमने लगाया, तीनों अथॉरिटियों ने मिलकर रोजगार मेला लगाया, जिसमें हमने वही जो है बच्चों को जिस इंडस्ट्री को जरूरत है। अभी हमने एक और IIA और लघु उद्योग भारती के साथ भी एक मीटिंग करी थी, उनको भी जिन लोगों की जरूरत है, ताकि बच्चों को हम ढूंढे, अपने किसान भाइयों को बच्चों को ढूंढे, जो ट्रेनिंग गैप है वो दें और उनको मिलान करें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास हमने एक इस साल में 2021 में शुरू किया, 2022 में वो प्रयास निश्चित तौर पर, छोटा पौधा है वो एक बड़े पेड़ के तौर पर सामने आएगा। ये किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या ही है,
दूसरी उनकी जो लेगेसी प्रॉब्लम्स भी थी कि जब वो हमें जमीन बेचते थे, पहले एक रूल था कि हम उनको 6% जमीन देते थे, 6% और 10%। वो लगभग हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में 19,069 प्लॉट है, जहां तक मेरी याददाश्त है 19,069 प्लॉट लगने थे। तो वो प्लॉट आप देखें कि 7-8 हजार के करीब प्लॉट लगे हुए थे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि आज हम लगभग जो है उसमें हमारे केवल 700-800 प्लॉट बचे हैं। हम 19,000 में से लगभग 18,500 ऐसा कुछ नंबर है जो मेरे सामने एकदम डाटा नहीं है, ऐसे संख्या में हम प्लॉट लगा चुके हैं। उन प्लॉटों के आधार पर किसानों को लेटर जारी हो रहा है, उनकी 3 शर्तें किसानों ने पूरी शुरू करनी होती है, जिन्होंने 3 शर्तें पूरी कर दी हैं, लगभग 700-800 लेटर छोड़ के बाकी सबको जो मैंने बताया 18,500 में लगभग 17,500 से अधिक किसानों को हम लेटर दे चुके हैं। 11,000 किसानों के जो इन प्लॉटों का मौके पर विकसित करके उनको जो है हम लेटर भेज चुके हैं कि आप आके इनकी रजिस्ट्री कर चुके हैं। उन 11,000 में लगभग 5,000 से 6,000 किसानों ने रजिस्ट्री कर लिया है। तो जो मैंने बताया हमारे लगभग 500-700 बचे हैं। हमारा ये प्रयास था, हमारा ये टारगेट है अभी भी कि हम इसको, हमने मेरे लोगों को यद्यपि 31 दिसंबर तक का ही टारगेट दिया था कि हम 19,069 जो हमारे पूरे प्लॉट हैं हम लगा दें। छोटा सा हमारा 10-15 दिन में मेरे ख्याल से हम उस चीज को भी अचीव कर देंगे। तो मैं जो कहने जा रहा था, किसानों की जो प्रॉब्लम थी एक बहुत बड़ी 6-10% प्लॉट की, वो निश्चित तौर पर 2022 में वो प्रॉब्लम को 100% समाप्त कर दिया जाएगा। लगभग हम 90-95% पे पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा एक लीज बैक की समस्या थी किसानों की, वो भी एक लेगेसी इशू था, 2010-11 से चला आ रहा था। उसमें कुछ जांचें भी बैठी थी, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे वहां पर उन्होंने उसको जो है मंजूरी दी थी, और हमारे लगभग 2000 में 1565 किसानों की जो है वो अप्रूवल हमारे पास आ चुकी है, 500 की आ जाएगी। उसमें हमने लीज बैक शुरू कर दी है, लगभग हमने मेरे ख्याल से हमने लगभग जो है 100 किसानों के करीब की लीज बैक एक्चुअल कर दी है। आपके माध्यम से सभी उन किसान भाइयों को जिनकी 1500 एप्लीकेशन है, उनको 3 फॉर्मेलिटियां उसे पूरी करनी पड़ती हैं। एक उनका जो मुआवजा उन्होंने नहीं उठाया, माननीय जिला जज साहब के यहाँ एप्लीकेशन देकर मुआवजा उठाकर हमारे यहाँ, और 2 तरह के सर्टिफिकेट के, उनका कोई अतिक्रम नहीं है, उनका कोई कोर्ट केस नहीं है, वो हमारे यहाँ देना होता है। मैं सभी किसान भाइयों को आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपनी लीज बैक की इन 3 शर्तों के साथ एप्लीकेशन दे और हम की उनकी लीज बैक करते जाएंगे, और बहुत जल्दी हम उसको खत्म कर सकते हैं प्रायोरिटी पर। हम उसको जितनी प्रायोरिटी पर जो है एप्लीकेशन देंगे, मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उतनी जल्दी हम उसको समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार से किसान भाइयों ने जो इस शहर की स्थापना में जो योगदान दिया था, उनके ये जो 2-3 बड़े मुद्दे थे उनके बारे में मैंने आपको बताया कि उनमें बहुत ही प्रभावी प्रयास मतलब हो चुके हैं। ये नहीं है कि शुरू होंगे, ये मैंने आपको बताया भी, उनमें कार्रवाई हो चुकी है। और जो उसको 100% जो पहला कदम लेना है, जो 10वां कदम लेना है, जो 50वां कदम लेना है, वो हम ले चुके हैं। केवल उसको 100% यानी कि आखिरी जो एक किसान बचा है उसको भी ये लाभ देने की जरूरत है। और 2022 में निश्चित तौर पर वो स्टेज आएगी कि वो सभी किसानों के ये लेगेसी इश्यूज जो हैं उनकी ये समस्याएं का समाप्त होगा और उनके लिए भी एक सुनहरा भविष्य उनके सामने होगा। जी जी, धन्यवाद श्रीमान नरेंद्र भूषण जी। और हमें पूरा विश्वास है कि इस 2022 में किसानों की जो सारी समस्याएं हैं, चाहे वो उनके बच्चों से रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो जो लीज बैक की समस्याएं है, 6-10% प्लॉट देने की जो उनकी समस्याएं है, वो 100% समस्याएं इस 2022 में दूर होंगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। एक और अंतिम प्रश्न सीओ साहब आपसे, ग्रेटर नोएडा के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ के नॉलेज पार्क का है, और उसमें मुझे लगता है 100+ संस्थान हैं भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों के, जो कि और उसमें 1,00,000 से अधिक छात्र यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में उन संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक इकोनॉमी का और एक पूरे ग्रेटर नोएडा के विकास की दृष्टि से अगर देखें तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कुछ समस्याएं इस नॉलेज पार्क की हैं, और वो समस्याएं मुझे लगता है 3 दृष्टि से हैं। हमारे डीके गर्ग साहब भी ऑनलाइन हैं, वो सुन रहे हैं और उन्होंने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है डीके गर्ग साहब ने, लेकिन मैं स्वयं भी जानना चाह रहा था उससे पूर्व। एक सबसे पहली समस्या इंस्टीट्यूशंस की, कोरोना काल में कई सारे संस्थान बंद होने की कगार पर हैं या हो गए, स्कूल भी कई सारे जो मध्यम या उससे छोटे स्कूल हैं उनकी भी। दूसरा छात्रों की, आज ऐसी स्थिति है कि छात्रों के लिए कोई सुविधा, मैं कहूँगा यातायात की दृष्टि से भी ऐसी सुगम नहीं है,
ऑटो वाले मनमाने चार्ज करते हैं, और तीसरा उनकी फैसिलिटीज की दृष्टि से अगर हम देखें, फैसिलिटीज की दृष्टि से इंस्टीट्यूशनल एरिया में जो चीजें होनी चाहिए छात्रों के लिए, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो मार्केट हो या अन्य सुविधाएं, वो संभवतः नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे श्रीमान नरेंद्र भूषण जी कि आपके माध्यम से क्या प्रयास रहेगा 2022 में कि नॉलेज पार्क और अच्छे स्तर पर विकसित हो। जी सो ये आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है। किसी भी देश को यदि मजबूती से आगे बढ़ना है तो जो उसके युवक हैं उनके खुद के कंधे मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि वो देश को एक मजबूत कंधा दे सके। और ग्रेटर नोएडा में समझता हूँ इसमें एक यद्यपि जो है बाय डिजाइन सौभाग्य वाला शहर है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से इंस्टीट्यूट्स हैं, लगभग 4 यूनिवर्सिटीज हैं, 2 यूनिवर्सिटी और बनने की बात चल रही है, 2-3 यूनिवर्सिटी हमारे बिल्कुल आसपास हैं, नोएडा को भी जोड़ दें यदि उसको भी जोड़ दें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस की बहुत बड़ी संख्या है। हमारा जो एरुडिशन एरुडाइट कॉफिशेंट है कि कितने बच्चे यहाँ पर हैं यदि उसको देखें तो एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है हमारा उसमें। तो इसमें और ना केवल बच्चों की प्रॉब्लम्स में मैं अभी आता हूँ, बच्चों को कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें हमने उनको इन्वॉल्व किया है। आपने देखा होगा परीचौक में ट्रैफिक की प्रॉब्लम हमने बच्चों के साथ प्रोजेक्ट किया था, उससे हल हुई है, यद्यपि वो प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी हमने ये आपकी जगत फार्म सामने मार्केट जो है एक APJ कॉलेज के बच्चों के साथ जो एक प्रोजेक्ट करेंगे उनको एक प्रोजेक्ट दिया है, उनके साथ हम कल मेरे ख्याल से उनके प्रोफेसर साहब आने वाले हैं, हम एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं परसों। तो ताकि बच्चे यहाँ की प्रॉब्लम्स, हमने कहा है कई स्कीमें चलाई हैं कि इनफॉर्मल ढंग से चाहे वो प्रबुद्ध नागरिक हैं, यहाँ के प्रोफेशनल्स हैं, बच्चे हैं या प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे लोग ग्रेटर नोएडा के एडवाइजरी के तौर पे काम करें, प्रोजेक्ट लें कि यदि कोई भी प्रॉब्लम उनको पता है ना केवल प्रॉब्लम का हिस्सा बने परंतु सोल्यूशन भी बताएं, सोल्यूशन को डिजाइन करें अपने प्रोजेक्ट के तौर पर। हम उनको इंटर्नशिप पर ले सकते हैं 2-6 महीने के लिए, जिसके लिए हम उनको 5,000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता भी देते हैं ताकि उनके छोटे मोटे खर्चे पूरे हो सके। पर जिस प्रोजेक्ट को वो बनाएंगे उसमें जितना भी खर्चा होगा, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, वो पूरा अथॉरिटी खर्चेगी। तो ये बच्चों ने सोल्यूशन, यहाँ के बच्चों को हमने इन्वॉल्व किया था, परंतु बीच में कोविड आने के कारण जैसा आपने कहा इंस्टीट्यूट बंद रहे तो वो थोड़ी सी प्रक्रिया को धक्का पहुंचा था। अभी जैसे जैसे इंस्टीट्यूट खुलने शुरू हुए हैं हमने उस प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाया। प्रोफेसर का, आप खुद प्रोफेसर हैं, इतना एक प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पर है, उनकी एक्सपर्टीज ना केवल बच्चों को पढ़ाने में परंतु समस्या को, शहर की समस्याओं को हल करने में, उनकी देखरेख में बच्चे प्रोजेक्ट के तौर पर उसको लें, स्टार्टअप्स के तौर पर नई चीजें करें बच्चे, उसको हम इनकरेज कर रहे हैं, और EDP के तौर पर। आपने जो प्रॉब्लम बताई नॉलेज पार्क, हमारे यहाँ बिल्कुल सही करा, ये ग्रेटर नोएडा शहर ऐसा है जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर, इकोटेक सेक्टर के तौर पर, ताकि इको फ्रेंडली सेक्टर्स हों, जो नॉलेज पार्क, जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, उनको एक नॉलेज पार्क के तौर पर विकसित किया गया है। उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना बहुत जरूरी है। आपने ट्रांसपोर्ट की समस्या बताई, बिल्कुल सही कहा, यद्यपि हमारे यहाँ मेट्रो स्थापित हुई है, मेट्रो का दूसरा चरण हमारा मंजूर हो गया है, पार्टनर का सिलेक्शन हो गया है, केवल भारत सरकार की अप्रूवल आते ही वो मेट्रो बनने का काम शुरू हो जाएगा, जिससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो से जुड़ेगा। हमने नोएडा NMRC से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि 142 को बोटेनिकल गार्डन से जुड़े, जिससे ग्रेटर नोएडा की एक सीमलेस कनेक्टिविटी जो दिल्ली से हो सकेगी, दिल्ली के लोगों का आना जाना यहाँ पर आसान होगा। NMRC के पास एक और ऑब्जेक्टिव था हमारे पूरे शहर में बस व्यवस्था के माध्यम से उसकी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, जिसकी ओर आपने इशारा किया है। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो एग्जिस्टिंग वेंडर के साथ कुछ विवाद है, उसमें कुछ अथॉरिटी हित में, रेलवे कॉरपोरेशन के हित में, पब्लिक हित में डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें उस टेंडर को स्थापित किया गया था, नया टेंडर होने की कार्रवाई है, चल रही है, परंतु इंटरिम व्यवस्था के लिए ग्रेटर नोएडा के लिए अभी हमने UP रोडवेज के MD साहब से रिक्वेस्ट करके एक मीटिंग करी थी, उनका हमारे पास प्रपोजल आ गया है जिसको हम मंजूरी दे रहे हैं। उसमें जो भी, क्योंकि सिटी बस सर्विस हमेशा लॉस में होती है, तो UP रोडवेज को उसकी जो वायबिलिटी गैप फंडिंग की जरूरत थी, हमने अभी 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनसे जो 10 बसों के माध्यम से एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं हम, जब तक NMRC की बसें स्टार्ट नहीं होती हैं, वो बहुत जल्दी आपको 10 दिन में मेरे ख्याल से वो बसें शुरू हो जाएंगी पूरे शहर में। एक रूट उनके डिसाइड कर लिए गए हैं, वो शुरू होंगी, उसमें जो आपने कहा नॉलेज पार्क के बच्चों के लिए, गांव के लोगों के लिए, उनको अथॉरिटी से जोड़ना, DMSP कार्यालय से जोड़ना, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जोड़ना, उनको और जरूरत की चीज़ों से उनको जोड़ना, ये एक हम अभी एज एन इंटरिम व्यवस्था, फिर उसको 6 महीने के लिए फिर उसको डिसीजन लेंगे।
तब तक जो हमारा रेगुलर जो हमारा मैंडेट है एनएमआरसी का, यदि वो बसें आ जाती हैं तो हो सकता है उसके माध्यम से हम इनको उनके साथ मर्ज कर दें या जो भी डिसीजन लेना होगा वो लेंगे। तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, अब आपने बात करी ट्रांसपोर्ट की, जब व्यवस्था होगी तो बस स्टॉप्स की व्यवस्था, परिचौक पे एक बहुत अच्छा हमारा वो प्रोजेक्ट मंजूर है जहाँ पे सारी बसों को ऑटो को सबको खड़े करने की व्यवस्था, जो बाएं हाथ पे एक बहुत ही मॉडर्न तरह का वहां पर सिस्टम बनेगा। आपको मैंने बताया मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, अब में एक लोकल बस टर्मिनस और एक ISBT बनेगा, तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स उस प्रकार से सुविधा क्रिएट होगी। फैसिलिटीज के तौर पे साइकिल ट्रैक को भी हम एक विकसित करना चाह रहे हैं, क्योंकि हेल्दी हैबिट के तौर पर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल के तौर पर हम साइकिलिंग की व्यवस्था बच्चों में खासतौर पर प्रमोट करें। हमारा पूरा प्लान है कि ग्रेटर नोएडा शहर में पूरे में एक साइकिल ट्रैक अलग से हो, यहाँ पे सड़कें चौड़ी हैं, साइकिल ट्रैक स्थापित होने की पूरी व्यवस्था है एंड टू एंड, मतलब दीवार से लेकर दीवार तक। वो हमारा भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है थोड़ी, क्योंकि कई बार देरी हो जाती है इन चीजों में, जो डिजाइन है जिसमें पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली ट्रैक्स, साइकिल फ्रेंडली ट्रैक्स, गाड़ियों की चलने की, वेंडर्स की, वो पूरे हमारे प्रोजेक्ट जो है पायलट फेजेस पे चल रहे हैं। ट्रकर्स के लिए हमने, आपको ध्यान होगा कि जहां से ईस्टर्न पेरिफेरल पे भेजते हैं, हमने एक टेंडर किया हुआ है, हमारा टारगेट है कि 10 से पहले हम उसको अवार्ड कर दें। ट्रकर्स कोर ने लगभग 100 बड़े बड़े ट्रक जो यहाँ पे ICT वगैरह में जाते हैं, वहां पर बहुत ही सुंदर, मतलब जो कहते हैं मूर्थल टाइप का ढाबे भी उसमें होंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे है वो ट्रकर्स कॉर्नर के लिए, उनके लिए ओपन एयर जिम होगा, पार्क होगा, 2-3 किलोमीटर लंबा सैर करने के लिए सोने की व्यवस्था होगी, यहाँ तक के शहर के लोग भी उन वहां पर जाकर अपना कुछ व्यंजन का लुत्फ ले पाएंगे। वापिस आते हुए नॉलेज पार्क में जो आपने इशू उठाया, तो सभी प्रकार की उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं हम उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम नॉलेज हब के तौर पर पूरे इंडिया के नॉलेज हब के तौर पर जा रहे हैं। दो और यूनिवर्सिटियां यहाँ पर बहुत जल्दी स्थापित होंगी, उनके लिए हमारा बहुत प्रयास है और बहुत जल्दी आपको उनमें सफलता मिलेगी। जो सभी कॉलेजेस हमने उनके लिए जो इश्यूज थे, जैसे कई बार आपने शुरू में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन खरीदी परंतु बाद में इंजीनियरिंग का स्कोप कम हुआ, हमने बोर्ड में पॉलिसी बनाकर वो परियोजना प्रवर्तन, ताकि एजुकेशन के एक सेक्टर से, एजुकेशन से आपने इंजीनियरिंग कॉलेज ले लिया, आज आप फार्मेसी कॉलेज खोलना चाहते हैं, अगर आपकी जमीन आपका रेगुलेटर जो उनका EICT वगैरह अलाउ करता है, तो हमने उसको अनुमन्य किया, एक छोटी सी फीस लेकर हमने वो सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन किया, जिससे कोई जमीन पड़ी ना रहे। यहाँ बहुत सारे लोगों ने जमीन खरीदी परंतु आपने सही इशू उठाया कि सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम इनेबल करते जा रहे हैं, उनके और भी जो सुझाव होंगे हम उनको बहुत जल्दी लागू करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा साइकिल ट्रैक्स, अन्य सुविधाएं, वहां पर अभी हमने ऑटो स्टैंड जो है, जो नॉलेज पार्क शुरू में अभी मैं पीछे घूम के आया था एक महीना पहले, वो भी ऑटो स्टैंड्स बन रहे होंगे, जहां पर सिस्टमेटिक ढंग से बहुत अच्छे ढंग से हम हर तरह की फैसिलिटीज उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं। पर मैंने जो बताया, जैसे आपको स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए बताया, दो बड़ी चीजें हम और करने जा रहे हैं, एक स्टार्टअप सेंटर के तौर पर ये ग्रेटर नोएडा हब हम बनाने की ओर अग्रसर हैं, जिसके 3 बड़े कंपोनेंट हैं जो इन्हीं यूथ की ओर इशारा करते हैं। एक उसका सबसे बड़ा पार्ट होगा स्टार्टअप, यानी कि जो बिल्कुल इनोवेटिव तरीके से जो नए नवयुवक नई चीज करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, आजकल स्टार्टअप का जमाना है, तो उनको हम इतने सभी नॉलेज इंस्टीट्यूट जो हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के थ्रू उनको फैसिलिटेट करेंगे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उनके प्रोडक्ट को खरीदेगा, उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक इकोसिस्टम देगा कि अपने प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्टैंडर्ड किट्स होती हैं, यदि आप कोई बिजनेस जो पहले से लोगों ने सेटअप किया आप भी उस बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपको सभी एस्पेक्ट्स की, उसके फाइनेंसिंग की, उसकी क्रेडिट की, उसकी मार्केटिंग की, रॉ मटेरियल की, प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दे दी जाए, वो हमारा दूसरा टारगेट है। हमने अपनी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में उसके लिए मतलब 3 फ्लोर आरक्षित की हुई है। और तीसरा स्किल डेवलपमेंट के बारे में, जो हमारा लगभग फंक्शनल हो चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था, वो फंक्शनल, तो ये तीनों को जोड़ते हुए ग्रेटर नोएडा हब, और इसमें लगभग सबका मिश्रण होगा, फोकस युवाओं का है, ना केवल युवकाओं का, बेरोजगार बच्चों का या ऐसे बच्चे जो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वो सब इसमें, हर तरह का युवा इसमें जो है, लगभग 15 साल से लेकर 35-40 साल तक के युवाओं के लिए एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे नॉलेज हब में अभी आपने बताया सभी तरह के इंस्टीट्यूट हैं, उनको साथ में लेते हुए, उनकी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए, उनकी स्ट्रेंथ में आप जैसे प्रोफेसर हैं जो कभी फ्री टाइम में सैटरडे संडे को रूटीन के बाद उन्हें पढ़ाना चाहेंगे, या उनका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके मीटिंग हॉल, उनके क्लासरूम, उसको, उनकी लेबोरेटरीज को हम यूज करना चाहेंगे 10 से 5 जो नॉर्मल टाइम को छोड़कर बाकी टाइम में,
तो एक बहुत बड़ी वो भी हमारी प्लान है जिसको हम मूर्त रूप देंगे इस 2022 में ग्रेटर नोएडा हब के तौर पर, जो केवल मैंने बताया ना केवल ग्रेटर नोएडा की प्रॉब्लम्स को शुरू कर सॉल्व करेगा, जो समाज की जनरल प्रॉब्लम्स को इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करेगा, ये भी एक प्रयास रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान नरेंद्र भूषण जी, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ग्रेटर नोएडा के सभी निवासी छात्र, अकेडमिक इंस्टीट्यूशन के प्रबंधक गण, उद्यमी और श्रमिक सभी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग के लिए तैयार हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी लोग मिलकर ग्रेटर नोएडा को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। अंत में श्रीमान नरेंद्र भूषण जी, मैं चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए एक शुभकामना संदेश नववर्ष के ऊपर आपकी तरफ से मैं चाहूंगा श्रीमान नरेंद्र भूषण जी। 2022 जैसे मैंने कहा ग्रेटर नोएडा निवासियों के लिए बहुत ही स्वर्णिम वर्ष होने जा रहा है। इसमें केवल एक ही मैं आपको सबको शुभकामनाएं देते हुए, आपके सहयोग की आकांक्षाएं करते हुए आपसे कि आप मुझे मार्गदर्शन दें, अपने सुझाव मेरे साथ शेयर करें, इस आकांक्षा के साथ केवल एक और अनुरोध आपसे करना चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा आपका शहर है, आप इसके असली मालिक हैं नागरिक के नाते, और उस नाते आप इस शहर में प्राइड फील करें, एक पॉजिटिविटी बिखेरें। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में स्टाफ की यद्यपि समस्या, परंतु यहाँ के हमारे सभी कर्मचारी कटिबद्ध हैं ग्रेटर नोएडा की सभी समस्याओं का समाप्त करने में, आप भी परंतु एक पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। छोटी सी बात, हमारे पास एक सफाई कर्मचारी है, परंतु यदि हमारा हर नागरिक एक छोटी सी बात, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से, जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन है उसके माध्यम से, कि आपके पास कोई भी गार्बेज है उसको नियरेस्ट डस्टबिन तक उसको ले जाएं, यदि आपको 10 मिनट उसको उठा के भी घूमना पड़े उसमें फेंके, शहर को साफ रखने में, ये शहर की किसी भी चीज में जो आप छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और शहर में अपना प्राइड फील करें। जब भी आप बाहर कोई मैसेज बिखेरते हैं शहर को पॉजिटिव उसके बारे में बात करें, शहर में विश्वास रखें, उससे शहर की ब्रांड वैल्यू बाहर भी बढ़ती है। यदि आप शहर के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, कई बार कुछ समस्याएं अभी सामने हो सकती हैं, परंतु उसको सुझाव में आप उसके क्रिटिसिज्म की बजाय, जिसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहें, एक सुझाव के तौर पर आप दें कि सर यदि आप इसको ऐसा सुधार लें तो उसमें आपके साथ जुड़े हुए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कोई भी सरकारी सेवक का भी मनोबल बढ़ता है और ग्रेटर नोएडा की भी एक ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। आपके इसी सहयोग की आकांक्षा के साथ और आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपना पूरा प्रयास करेगी कि 2022 वर्ष ग्रेटर नोएडा को ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक सिटी के तौर पर आपके सामने आएगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको पुनः से नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और अपने दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। हम सभी लोग स्वस्थ रहें। जय भारत, जय हिंद। जय जय।